बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माई मास्टर क्रिकेटर और चैनल में मोहसिन अली और सभी साहब हाजिर खिदमत हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, सुपरबात, नमस्कार, सत श्री अकाल। जी सभी भाई, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर वेल, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी भाई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट फर्स्ट क्लास यानी कि कायदे आजम क्रिकेट कल से शुरू हो चुकी है, और एक मरतबा फिर हमने देखा है कि जिस बच्चे के साथ, फिर लड़के के साथ, और अब एक फुली ग्रोन मैन के साथ जो ज्यादतियाँ होती आ रही हैं, उसने कल फिर स्लैप ऑन द फेसेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑल दोज हु केप्ट हिम डिप्राइव्ड फ्रॉम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ है। मैं ताबिश खान की बात कर रहा हूँ। कल उसने 5 विकेटें ली हैं और वो रोने लग पड़ा। लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं क्यों रो रहा है। वो रो इसलिए रहा है कि जो उसके मेंटोर थे, जो उसके वालिद साहब थे, जो उसकी बैग थे, जो उसकी उसको बकअप करते थे, उनकी पिछले महीने डेथ हुई है। वो इसलिए नहीं रोया, 5 विकेटें तो वो हमेशा लेता रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल, देखें, ताबिश खान पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स के अंदर से है कि जो हमेशा हर साल, अब उठा के देख लें उसके पिछले 10 सीजन उठा के देख लें, हर साल वो 50, 60, 70, 80, 90 तक उसने आउट किए। और लेकिन क्या कि जी, कुछ लोग जब उस वक्त के सिलेक्टर थे या उस वक्त के कोई कप्तान थे, कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। और भाई, जब तक वो खेलेगा नहीं इंटरनेशनल, आप है आप, जो खेल रहे हैं वो है इंटरनेशनल मटेरियल। वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप इंटरनेशनल किसी को खिलाएंगे नहीं, को 1, 2, 3, 4, 5 मैच वो नहीं खेलेगा, तो आप कैसे किसी को कह सकते हैं? डाउन टू अर्थ लड़का, वेरी डाउन टू अर्थ लड़का है। और देखिए, डाउन टू अर्थ तो बाद में आता है, सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन उसकी है परफॉर्मेंस है। और देखें, 5-5 आउट करने, 10-10 आउट करने उसने मैनी टाइम्स, और अपनी टीमों को मैच जिताए हैं। कराची की क्रिकेट के लिए बड़ा सर्व किया है, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा सर्व किया है, लेकिन गिने चुने ए के भी टूर उसने किए हैं। अदरवाइज उसको हमेशा यही कह के जो अलमारी में रखा हुआ है कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। अच्छा सभी भाई, आसिफ और आमिर के बाद हमें बड़ी शदीद जरूरत थी विकेट टेकर्स की। हमने देखा था कि नो डिसरिस्पेक्ट, अब्बास वगैरह आए और हमने देख लिया कि वो एक्सपोज भी होना शुरू हो गए। अगर ये आउट कर रहा था हर साल, देखे ना, आपका सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है जो आप फॉर्मेट आप खेल रहे हैं, ये तो तीनों फॉर्मेट में आपको विकटें देता था। जब आप विकटें ले रहे हैं, स्कोर करके आप आ जाते हैं नेशनल टीम में, अब इसका मोइन खान नहीं है या नदीम खान नहीं है या सरफराज नहीं है या उस क्लब से नहीं खेलता कराची के, तो इसका कसूर है? नहीं, देखें, क्लब की तो खैर मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन देखें मोहसिन भाई, कितने इसके साथ के बॉलर, ठीक है, आप दुनिया की हर टीम उठा के देख लें, आप न्यूजीलैंड देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, आप इंडिया देख लें, क्या वहाँ पे स्विंग बॉलर्स नहीं खेले? खेल रहे। फ्लैंडर 125-26 पे, क्या वो टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल नहीं था? बहुत ज्यादा। अगर हम अब्बास भी तो इतनी पेस का ही बॉलर है ना, मतलब आप हमारे अभी भी टेस्ट क्रिकेट में, अभी इंग्लैंड में उठा के देख लें, कीपर ऊपर खड़ा होकर की कर रहा है। सैम करन कितनी स्पीड से कर रहा है। अगर वो खेल सकते हैं, हाँ। तो ये जो इतना पाकिस्तान के एक टॉप परफॉर्मर था ताबिश खान, जो कि कितने अरसे से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो क्या देखे, सबसे पहली चीज क्या देखनी चाहिए कि इस विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो, और ऊपर से अप फ्रंट, और वो विकेट टेकिंग एबिलिटी उसमें बहुत थी। स्विंग बॉलर था, दोनों तरफ स्विंग करता था, और ये नहीं है कि पेस बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा ख्याल है 135-136 प्लस पे वो बॉलिंग करता को भी टच करता था, तो वही ना, अब उस पर ये सिर्फ टैग लगा देना कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के जो है ना मटेरियल नहीं है, तो इंतहाई नाइंसाफी है उसके साथ। कल फिर उसने देखिए, अभी पूरा सीजन ऑफ था और उसको टीम में नहीं रखा हुआ था, फिर थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ तो उसको फिर लेके आए हैं, आते उसने 5 आउट कर दी। तो ये कब तक ऐसा होता रहेगा? पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं, उनको जरूर कंसिडर करना चाहिए फॉर इंटरनेशनल। नहीं, वरना क्राइटेरिया क्या है वो तो बताया ना, फिर क्या क्राइटेरिया है? जब आप इंटरनेशनल खिलाते नहीं, टूर कराते नहीं, तो डोमेस्टिक ही है ना, उसमें भी नहीं अगर, तो फिर क्या करेंगे प्लेयर्स, क्या करें? आगे 2 साल से आपने क्रिकेट को डरबे में बंद कर दिया। देखिए, क्राइटेरिया की समझ नहीं आ रही है। क्राइटेरिया बस ऐसे ही है कि कई टॉप परफॉर्मर वो रह जाते हैं, और लेकिन जो PSL में अच्छी बॉलिंग किसी ने कर दी है, किसी ने कोई एक आधा तेज स्पेल कर दिया, पर्ची लग गई, बहुत तेज है जी, बहुत तेज है जी, जो है ना एक्स फैक्टर है, तो वो खेल जाता है। फिर वो एक्स फैक्टर कहाँ जाते हैं भाईजान? तो बस फिर इसी तरह ही होता है ना। फिर नसीम शाह की इतनी आपने हवा बनाई, इतनी इंजरीज हमने वकार को देखा, वसीम को देखा, इमरान खान को देखा, हमने सरफराज नवाज को देखा, हमने शोएब अख्तर को देखा,
कैरियर के रूज में इतनी ज्यादा इंजरीज हमने कभी नहीं सुनी भाई जान, क्यों? देखें इसलिए कि क्रिकेट ही बहुत कम खेला है, आपको डोमेस्टिक की जो है ना वो कार्ड निकालनी चाहिए। डोमेस्टिक में जब तक वो एक दो साल नहीं खेलेगा, लंबे लंबे स्पेल नहीं करेगा तो वो फिर तभी फिट होगा। देखें ना क्रिकेट फिटनेस चाहिए, आपको लंबे स्पेल करने आना चाहिए, आपको विकेटें लेनी आना चाहिए, फिर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में आना चाहिए। सही है। अब यही बात आती है लागू बिस्मिल्ला खान पे, बलोचिस्तान हमेशा परफॉर्म करता है, कल इतनी मुश्किल कंडीशंस, टीम नीचे लगी हुई थी, उसने फिर 100 मार दिया। अब वो करेगा, वैसे तो हम कहते हैं जी बलोचिस्तान के साथ हम करेंगे करेंगे, कब करेंगे? देखें बिस्मिल्ला खान टॉप परफॉर्मर है, हमेशा वेरी डेंजरस प्लेयर, मैं जब भी उसके अगेंस्ट खेलता था ठीक है तो मुझे वो ये होता था कि यार ये जल्दी आउट हो जाए, नहीं तो ये जल्दी क्विक स्कोर कर देता है। हमेशा नीचे जब कोई भी टीम लगी है उसने 50-60-70 नीचे से आके, क्योंकि छठे सातवें नंबर पर ये खेलता रहा, वापडा की बहुत स्ट्रांग टीम होती थी तो हमेशा परफॉर्म करता रहा। थोड़ा सा ये अनफॉर्चुनेट आप कह सकते हैं कि कामरान अकमल और सरफराज का, ये दोनों का जो एरा था और इसका जो पीक टाइम था वो उस एरा में आ गया। तो यार भाई जब ना खिलाएं पाकिस्तान, कम से कम इसको 8 ओवर्स तो करवाते हैं ना। मेरा तो ख्याल नहीं है कि ये कभी ए में भी गया होगा, तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ क्यों नहीं। आपकी बात सही है। अच्छा चलें ये भी हो गया, वो कहते हैं ना बड़ा आपने जो है ना मजे ले लिए, हनीमून पीरियड होता है हर एक का, ये नॉर्दर्न के साथ क्या हो रहा है भाई जान? 165 की टीम है नॉर्दर्न। अच्छा अगर विकेट खराब है, चलें विकेट खराब है, पंजाब 175 थे, एक एक हो रहे हैं। नहीं देखें हनीमून पीरियड तो नहीं है, देखें टीम नॉर्दर्न की बड़ी अच्छी है और पहला स्टार्ट के वाले से बात कर रहा हूं, मैं वो समझ गया आपकी बात, कोचिंग के वाले से कर रहे हैं। लेकिन देखें जो आपके पास रिसोर्सेज है, आधी से ज़्यादा पूरी फुल टीम तो मेरा ख्याल है चली गई है पाकिस्तान टीम के साथ, मैं जो सारे टॉप के प्लेयर थे वो उधर चले गए हैं। जाहिर है कि आप बिल्कुल एक नए लड़के के इसमें आए, मैंने देख रहा हूँ बॉलिंग में भी सलमान अरशाद खेल रहा है या एक दो नए लड़के खेल रहे हैं, इसी तरह बैटिंग में भी तो ब्लाइज कर लेना क्रिकेट की क्या जरूरत, ब्लाइजिंग पॉलिसी चल रही है फिर तो। नहीं देखें अभी पहले मैच से पहली इनिंग से अगर आप ये नहीं कह सकते कि नॉर्दर्न की टीम बुरी है, मैंने तो हनीमून पीरियड कहा बुरी तो कहा ही नहीं मैं तो, क्या ये मानता हूँ कि ये वो टीम है जो पाकिस्तान की तकरीबन टीम है। नहीं पिछले साल 4 डे का फाइनल खेली है लेकिन शुरू में इसी तरह खेली है T20 के जो है ना चैंपियंस है दोनों फॉर्मेट्स में, दोनों फॉर्मेट। तो इस दफा क्या हुआ? अभी पहली इनिंग है मौसम नहीं, चैंपियंस एक तो क्वालिफाई नहीं कर सके, दूसरे चैंपियन फाइनल हार गए, सेमीफाइनल हार गए। हाँ देखें ग्रेड टू की जो टीम है सेकंड 11 वो बड़ा बुरा परफॉर्म कर रही है ठीक है ना, अभी भी कल भी वो जीता हुआ कोच सिर्फ घर पे जाना 128 पे आउट हो गई फिर सेकंड इनिंग में, तो ठीक है चीजों को इसी तरह। अच्छा चलें छोड़ें पाकिस्तान पे क्या कहूँ मैं, फिर लोगों को मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं, जब सच्चाई आईना दिखाते हैं तो बुरा मान जाते हैं। भाई हमारा दिल दुखता है, हम अपने घर से नहीं लाते ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये आपके सामने हैं, उठाएं पीसीबी की साइट्स और देख लें। छोड़ें जी कल दो मैच बड़े शानदार हुए, पहले मैं CSK और आपकी टीम RCB के वाले से बात करूँगा। क्या हुआ भाई जान? वही विकेट जिस पे कोहली और डिविलियर्स स्ट्रगल करें और 145 रन करें, उसी विकेट पे CSK जब आए एक बच्चा गायकवाड़, मैच खत्म। ये क्या हुआ भाई? देखिए कल रियली इम्प्रेस्ड बाय गायकवाड़, और इसमें थोड़ा सा क्रेडिट मैं धोनी को भी दूंगा कि ये अपना चौथा मैच खेल रहा था और कोई इतना परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, हम भी शायद ये कह रहे थे कि ये कोई पता नहीं मटीरियल नहीं है या, लेकिन उसको पिछले दो मैचेस से वो उसने जब से ओपनर एज ए ओपनर किया, पिछले मैच में अंडा किया, लेकिन स्टिल धोनी ने ट्रस्ट किया उसको कल ओपन कराया। आल्दो को देखें थोड़ा सा प्रेशर कम था 146, लेकिन द वे ही प्लेड इट शोज के जो उसकी टेक्निक है, मतलब है कि जो छक्के मारे हैं प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट छक्के मारे हैं, जो उसने चौके मारे हैं वो प्रॉपर क्रिकेटिंग निकल गए भाई जान, निकल गए ठीक है। तो मतलब उसमें झलक लग रही है कि ही कैन बी ए गुड क्रिकेटर, कैन बी ए गुड बैट्समैन, और ये भी मतलब है कि अच्छी किसी लाइन में 145 लोग देख रहे हैं, वो ये भूल गए कि ये वही विकेट वही पिच थी जहां पिछला मैच पंजाब ने 126 जो है वो डिफेंड किया 12 रन से, 114 दूसरी टीम ने किया सिर्फ सनराइजर्स ने, जिन्हें 50 का ओपनिंग स्टैंड मिला था, और फिर तीसरी बारी खेली है कोहली ने, तो चौथी बारी खेली है CSK ने। नहीं गायकवाड़ ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और CSK ने बड़ा अच्छा जो है ना इसमें परफॉर्म किया है, और द वे देखे ना यही मैं बात बार बार सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया, सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया, हालांकि ओपनिंग ठीक मिल गई थी CSK को,
हाँ, लेकिन बॉलिंग भी बड़ी अच्छी सीएसके ने की, जितने भी बॉलर सीएसके की तरफ से खेले। कल तो सैम करन छा गया भाईजन। देखिए सीएसके आल्दो की अब एलिमिनेट हो गई है, अब आगे नहीं जा सकती है, उसके अब जो बस फॉर्मेलिटी रह गई है मैचेस, लेकिन इस पूरे आईपीएल में से, इसमें पूरे आईपीएल में से जो चीज उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ पॉजिटिव चीजें गेन की हैं, उसमें से वन ऑफ देम इज सैम करन। ठीक है, इतना जबरदस्त यूटिलिटी प्लेयर है कि उसको आप नंबर 7 पे खिला लो, बॉलिंग में भी वो जो है ना लगा रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, और फिर आप उसको ओपन करा दें, जहाँ पे भी खिला दें, तो इस तरह का बड़ा अच्छा प्लेयर उनको मिल गया हुआ है। ये वही वाला अब सभी भाई ने करना क्या है, 6 महीने है सिर्फ, मेजर चेंजेस तो होंगी नहीं। आप कोच हैं, धोनी के साथ बैठते हैं, आप क्या किस पे जाएंगे? देखिए मैं तो सिर्फ जो है ना ओवरसीज प्लेयर जो है उनमें उनको थोड़ा सा देखिए सभी भाई एक बात मान लें कि फैब फारग हो चुका है, अब एक आध इनिंग्स 12 में 1-2 इनिंग्स नहीं काउंट कर, बेशक उसके 300 प्लस रन है लेकिन टीम नहीं जिता पा रहा, और फील्डर नहीं हमें चाहिए, हमें प्रॉपर बैट्समैन। वाटसन खत्म हो गया, तो भाईजन वो ब्रेवो खत्म हो गया, इमरान ताहिर भी आप कह सकते हैं मिक्स ही परफॉर्मेंसेज हैं, कोई सेंटनर कल पहला मैच है अच्छा खेला है कोई शक नहीं है, आपने सैम करन को रखना है, आपने सेंटनर को, बाकी मेरा जाती ख्याल है कि आपको चेंजेस करनी चाहिए। वही मैं आपसे कहने लगा था कि पहले जो है ना अगर मैं धोनी के साथ बैठूं तो पहले हमने जो हमारे ओवरसीज प्लेयर हैं हमने उसको देखना है, ठीक है, फिर हमने लोकल प्लेयर जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, आप देख लें, उठा के देख लें, वही टीमों की स्ट्रेंथ बनते हैं बाद में, ठीक है, और वही प्लेयर हमने उनको फिर कोई 3-4 गुड यंगस्टर्स के जो स्टेट में टीम में खेलने वाले हों, ऐसा नहीं है जैसे मुन्नू कुमार कल बेचारा 40 मैचों के बाद पहला मैच खेला है, इतने अरसे से बेंच पर, लेकिन हमने ऐसे प्लेयर पिक करने हैं, ऐसे प्लेयर लेके आने हैं कि जो आते ही आप उनको ग्रूम करें, आप खिलाएं और वो आपके लिए परफॉर्मेंस करें। कल के मैच का था कि चलें पॉजिटिव ये था कि फाइनली सीएसके ने एक बड़ी टीम को फिर हराया, बिल्कुल, और ठीक है नहीं रुक सका कोहली से, 145 हो गया, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग जब गायकवाड़ खेल गया तो फिर हो जाता है, वंस इन ए ब्लू मून होता है। दूसरा मैच हुआ 194 हार्दिक पांड्या का बैट, ठीक है कैच छूटा, वो छोड़ें कैच छूटते हैं, 195 रन। देखें एक पहली बात तो यह है कि 194 कैसे हुआ, 195, ठीक है, उसमें भी क्रेडिट जाता है पांड्या को, सिंगल हैंडेड ले लिया, 150, 160, 170 पे इन्होंने आउट हो जाना, 70 नहीं हो रहा था, और इतनी जबरदस्त उसने हिटिंग की है, मतलब कमाल की, जो उसकी एक रेपुटेशन थी, मतलब फर्स्ट टाइम आईपीएल की इस सीजन में उसकी इतनी बड़ी अच्छी इनिंग देखने को मिली है, और छक्के भी जो है ना लंबे छक्के, बड़े बड़े छक्के और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स उसने मारी है, हालांकि देखें एक दुबला पतला सा मुझे लड़का लगता है और लगता नहीं है कि ये इतने लंबे लंबे छक्के मारेगा, लेकिन उसकी जो नेचुरल हिटिंग है, एबिलिटी है ना, रीड करता है, नहीं हिटिंग उसकी जो है ना, और उसकी जो बैट स्विंग है, स्विंग है और स्पीड है बैट की, वो बहुत क्लास की है, और उसी ने उसको इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छे साइंस है, अगले महीने उन्होंने जाना है। अब 194 जो है 95 लगता था कि काफी हो गया, बहुत बड़ा स्कोर, हमने 160 डिफेंड होते देखा, लेकिन देखे कल टोटली आउट क्लास कर दिया वो बेन स्टोक्स, जितने मुंबई इंडियन की बॉलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है पूरे आईपीएल में किसी टीम की तीनों उतनी नहीं है, ठीक है, फास्ट बॉलिंग भी देख लें और आप उसके साथ स्पिनर्स भी देख लें, लेकिन कल बेन स्टोक्स ने फिर संजू सैमसन ने उसके साथ जो दिया है, दोनों ने मिल के बिल्कुल लग नहीं रहा था, ऐसे लगे थे कि बड़ी ऑर्डिनरी सी बॉलिंग है, लेकिन कल बोल्ट क्या तो कमिंग्स क्या तो बुमराह क्या और कुनाल और चार्ल्स पैटिन, हाँ पैटिसन, तो इतने मतलब क्लास की बॉलिंग को बिल्कुल उन्होंने और 19th ओवर में स्कोर अप कर दिया, और कमाल की इनिंग खेला बेन स्टोक्स, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स वाले और बार बार ट्रस्ट कर रहे थे, स्मिथ जो बार बार फेल हो रहा है भाई जी, इसका क्या होगा, ये तो बड़े वरिंग साइंस है, बस देखें स्मिथ बहुत ज्यादा नीचे लग गया हुआ है, स्मिथ को अब देखें ना, अब स्मिथ वन डाउन क्यों आया कल, बाहर भी नहीं आ, वो इसलिए आया कि नंबर 5-6 पे बटलर भी हो टवाटिया भी हो और 194 चेस कर रहे हैं, कप्तान आउट होने से तो ये इसी तरह है जैसे आपकी फौज का सिपे सलार पहले हाथी फारग हो जाए तो फौज कैसे लड़ेगी भाई जी। नहीं देखें मैं तो हमेशा कहता हूँ कप्तान को रोल मॉडल होना है, कप्तान की परफॉर्मेंस जो है ना वो बड़ी डिपेंड करती है, बाहर से बॉल अंदर अंदर आ गई,
तो बस यही चीजें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पॉजिटिव है कि आरआर कल अच्छी तगड़ी फॉर्म में आई है। बिल्कुल पॉजिटिव है और आरआर की टूर्नामेंट अच्छा हो गया, टूर्नामेंट अब वाइड ओपन हो गया, सीएसके बाहर हो गई है मेरी, आप खुश हो गए होंगे? नहीं, खुश तो नहीं हो गया, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन पूरी होगी ना, नई चार में जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सभी भाई, आज मैच है वीर जारा, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब, प्रीति जिंटा। एक तो ये बताएं कि परसेंटेज क्या है, आप क्या समझते हैं मैच किस तरह है? देखिए मैं तो आज 50-50 है, ठीक है। देखिए पंजाब भी डूइंग वेल, पंजाब की भी फॉर्म में है, लेकिन लगातार जीत रहा है, और केकेआर, लेकिन मैच इतना इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए कि आज काफी सारा डिसाइड करेगा दोनों की। पंजाब तो हार अफोर्ड ही नहीं कर सकता, केकेआर भी नहीं कर सकता, लेकिन केकेआर तो फिर दो पॉइंट आगे है ना भाई जी, आगे। हाँ, लेकिन केकेआर फिर चार आगे निकल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे फर्क हो गया ना, फर्क टेक्निकली तो फर्क, दो मैच रह दोनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है, और मेरा ख्याल है कि 50-50 की कौन होगी आज के मैच में। आप एज ए कोच किसको देख रहे हैं पंजाब के लिए वो लेड फ्रॉम द फ्रंट करेगा? देखें के राहुल और पूनम है, गेल है, नीचे शामी है जो बॉलिंग में करेगा, तो ये सारा बिश्नोई है। देखिए एक किसी को सिंगल आउट, यस परफॉर्मेंस को एक ही बड़ी करेगा, लेकिन इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे केकेआर का पिछला मैच है वो नारायण ने काफी डिफरेंस डाल दिया, लेकिन आज देखेंगे उनका राणा ने भी भजन 81। हाँ बिल्कुल 81, तो इसीलिए अब आज दोनों में से कौन प्रेशर बिल्ड करेगा, कौन जल्दी, अगर वाल ना हुआ तो कितना फर्क पड़ेगा पंजाब को? बहुत फर्क पड़ेगा, जैसे पिछले मैच में हमने देखा में पड़ा। अगर वाल देखें, एक बड़ा सेट बन गया हुआ था इनका पेयर, ठीक है, और वो अच्छा स्टार्ट। 50 आपने क्यों दिए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को, जबकि नारायण या राणा वो वन ऑड एक इनिंग्स भी तो हम कह सकते हैं ना, पंजाब तो पूरा सेटल्ड खेल रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं है, कार्तिक भी है, फिर शुभम गिल भी है, फिर मॉर्गन हिमसेल्फ है। कार्तिक तो पहली बॉलों पे जा रहा है भाई जी, चले मतलब वही मैं कह रहा हूँ, मॉर्गन गलत नंबर पे नहीं आ रहा आपके ख्याल में? बहुत नीचे आ रहा है, क्यों? उसको नंबर वन डाउन आना चाहिए, नंबर तीन पे उसको खेलना चाहिए, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत नीचे नंबर पे आ रहा है। कोई नाम लेना है, आपने सुना है आज कोई ऑस्ट्रेलिया से कोई? जी जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से मेरे हमारे व्यूअर्स हैं चंदप्रीत, उन्होंने मैसेज भी किया था, फिर फोन भी किया था, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं, वो आपके भी बड़े बहुत बड़े फैन हैं, बहुत शुक्रिया जी, वो आपको भी बड़ा सलाम दे, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, सत श्री अकाल बाजी, दुआ करो पंजाब जीत जावे आज। हां जी, तो ये था जी आज का शो, अपने चैनल माय मास्टर क्रिकेट को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ममता कुछ कम हुई हुई है, कोच साहब जो है ना बड़े नाराज हैं, तो कोच साहब को राजी करें, और देखें यहाँ बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसको समझें कि एक बंदा इतने हाईएस्ट लेवल पे, लेवल फोर मजाक नहीं होता, दुनिया का सबसे बड़ा होता है, और इनके जो टाइटल्स हैं, ज़रा पीसीबी की वेबसाइट्स पे जाएं, आपको पता चल जाएगा ये कौन है। रिजवान अदर चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएँ, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, और आज है हमारा पंजाब। जी भाई जी बिल्कुल जी, हंसदा रहे पंजाब, बसदा रहे पंजाब, और चैनल मास्टर क्रिकेट कोच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।